कक्षा चतुर्थ बच्चे अपने हिंदी विषय की व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 39। तो पेज नंबर 39 में आपका अध्याय 8 है कारक। तो हम कारक की हमारी पुनरावृत्ति हो गई थी, आज हम इसके अभ्यास करेंगे। हमने इसके अभ्यास भी आधे कर लिए थे, आधे अभ्यास हम आज करेंगे। तो आज आप निकालिए पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 में आज आप करेंगे तीसरा वाला, कोष्टक में उचित कारक पर चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से दिए गए कारकों पर चिन्हों पर गोला लगाइए और उचित मिलान कीजिए। तो अपने सभी बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अपनी कॉपी भी निकालिए। इसमें करते हैं हम कारक। तो सर्वप्रथम इसमें करते हैं कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्ह पर चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क है पुस्तक, मेज, यहाँ पर आपके पास दो दे रखे पर या में, तो आपका एक में पुस्तक मेज में पड़ी है। ख वृक्ष पर या से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ग माता जी ने भिखारी को या से, तो माता जी ने भिखारी को रोटी दी। ग पिताजी ने गुरुजी के लिए या को, तो के लिए फल खरीदी। क कृष्ण ने गाना ने का, तो कृष्ण ने गाना गाया। ठीक है, जिस प्रकार से अपने चिन्हों को उचित स्थान पर लिखना है। फिर आपका आता है निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए कारक चिन्हों पर गोला लगाइए। क पेड़ से आम गिरा, ठीक है, तो क्या है इसमें चिन्ह से। गरीबों को खाना दो, चिन्ह क्या है को, ठीक है। ग बच्चे छत पर खेलते हैं पर। ग यह आम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका उचित मिलान कीजिए, आपको सही सब कारक और चिन्ह है, तो कारक और चिन्ह आपको तभी आएंगे जब आपको कारक के चिन्ह पता होंगे कि कारक के कौन से, कारक के कौन से चिन्ह है। तो इसमें हम बढ़ते हैं। अब जैसे कर्ता है, तो कर्ता का चिन्ह है ने, आप ने पे निशान लगाएंगे। कर्म का है को, ठीक है। करण का, करण का आपको से। संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का के की रारी, का के की। अधिकरण में पर। और संबोधन हे अरे, तो ये आपको तभी आएंगे जब आपको क्या होगा कारक के साथ साथ आपको कारक चिन्ह भी याद होंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका पुनरावृत्ति क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो कल हम इसका अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। तो आप इतना अपनी कॉपी में करिए और साथ में इसको याद भी करिए। ओके।